सुप्रभात सारंग, फटाफट खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज का पंचांग दिनांक 19 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। सारण पुलिस के द्वारा अंतर जिला स्मैक बिक्रेता गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मादक पदार्थ स्मैक समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। हाँ सर, आज सुबह में सूचना मिली थी कि बिशनपुरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास एक चिमनी के पास जो है कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर कुछ नशीले पदार्थों का जो है आदान प्रदान और व्यापार के सिलसिले में लोग पहुँचे हुए हैं। तो उस सूचना को सत्यापन करने के लिए तत्काल जो है SDPO साहब और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम बना करके भेजा गया और वहाँ पर जो है ये 3 लोग पकड़े गए, जिनके पास से पता चला कि ये लोग स्मैक का व्यापार करते हैं इस ज़िले में और इनका जो है कनेक्शन भोजपुर ज़िले से भी है। तो इनके ठिकानों पर भी छापामारी की गई और कुल जो है हम लोगों ने 1 किलो 100 ग्राम स्मैक जो प्योर फॉर्म में है ये प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसके साथ ही पावर करके जो पाउडर होता है ऑर्गेनिक पाउडर वो भी 80 ग्राम बरामद हुआ है। कट पत्थर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो 2 किलो 800 ग्राम है। 5 मोबाइल, 11 ATM, मिक्सर ग्राइंडर जिससे वो घर में स्मैक का निर्माण करते थे वो बरामद हुआ है। स्मैक तोलने वाली 2 मशीनें बरामद हुई हैं और 3 मोटरसाइकिल जिससे ये लोग व्यापार करने के सिलसिले में आते जाते थे। तो इस प्रकार एक ये अंतर जिला स्मैक बेचने वाले गैंग का खुलासा सारण पुलिस ने आज किया है, जिसमें कि 1 किलो 100 ग्राम प्योर फॉर्म में स्मैक बरामद हुआ है और जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्थर और पावर के संयोग से और ये लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में बना सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बताई जाती है और ये अभी वर्तमान में युवाओं को बहुत ही तरीके से गंदे तरीके से प्रभावित कर रहा है। स्मैक के नशे से जो है हमारा युवा वर्ग इसमें जो है परेशान हो रहा है, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सारण पुलिस इसमें काम कर रही है और टीम बना करके हम लोगों ने इसमें काम किया है, जिसके लिए जो है SDPO साहब ने इसमें जो है टीम को लीड किया है। कितने लोग और कहाँ कहाँ से पकड़े? इसमें 3 लोग हैं जिसके डिटेल हम लोगों ने दिए हैं। मुन्ना कुमार सिंह है, ये रोजा यहीं पोखरा का रहने वाला है, टाउन थाना क्षेत्र का है। एक विजय कुमार है जो मढ़ौरा में है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके यहाँ से हम लोगों ने बरामद किया है सामान। और कन्हैया कुमार जो है भोजपुर जिला का आरा का रहने वाला है, वो इसका जो है मेन मास्टर माइंड बताया। इसके बारे में छानबीन की जा रही है, इसके तार जो है अंतर्राज्यीय भी हो सकते हैं, अभी हमें वहाँ की सूचना है, वहाँ पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये मामला चल रहा है, काफ़ी समय से इनका ये व्यापार चल रहा है और उस पर हम लोग जो है बाकी चीज़ों की भी शिनाख्त कर रहे हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी मंगाया जा रहा है। बिशनपुरा में जहाँ से इनकी गिरफ्तारी संभव, पुलिस जब पहुँची तो ये 3 वहाँ पर थे, तो तत्काल उसके बाद हम लोगों ने देर नहीं करी कि उसको पकड़ कर फिर हमने पूछताछ शुरू कर। छपरा नगर निगम के बोर्ड की हुई साधारण बैठक। महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को किया पेश। पार्षदों ने कई मुद्दों पर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के अवपथन के बाद कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। 1, 2, 5, 6, 5 दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर मनकापुर अयोध्या अयोध्या कैंट बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है। 1, 4, 6, 7, 3 जयनगढ़ अमृतसर शहीद एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर मनकापुर अयोध्या अयोध्या कैंट बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है। 19, 20, 21 एवं 22 जुलाई को होगा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन। जिला मुख्यालय छपरा में 19 जुलाई को 18, 20 जुलाई को 16, 21 जुलाई को 14 एवं 22 जुलाई को 12 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। नगर निगम क्षेत्र के सड़क के दीवारों पर आकर्षक कलाकृतियों से बढ़ी शहर की खूबसूरती। कलाकृतियों को बनाने में जुटे कलाकार। खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए छपरा टुडे.com का यूट्यूब चैनल। खबरों को विस्तार से छपरा टुडे.com पर पढ़ें। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपरा टुडे.com, आपका शहर आपके पास।